प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाबागंज बाजार के पास आधी रात खटपट की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दो संदिग्धों को जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने ग्रामीणों को पूछताछ में बताया कि इससे पहले इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज पे भी चोरी की घटना को उनके गैंग ने ही अंजाम दिया था। आरोपियों ने यह भी बताया है कि पेट्रोलिंग पंप से 3 लाख की चोरी में भी वो शामिल थे। आपको बता दें कि बदमाश नवाबगंज थाने में टॉप 10 की सूची में शामिल है और आरोपी क्षेत्र में घूमकर बकरी, भैंस, टुल्लू मोटर चोरी करते थे। इतना ही नहीं, खाली पड़े मकान में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अगर आपका बच्चा भी दोस्तों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करता है और फिजिकल गेम की जगह मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त रहता है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। बता दें कि बचपन में हम जिस तरह की चीजें ज्यादा देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों को मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताने की आदत को कई तरह से हानिकारक मानते हैं। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के और यानी कि इसके इस्तेमाल से मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक ये आदतें मोबाइल एडिक्शन के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में तो काउंसलिंग करवाना बेहतर है। शुरुआती दौर में पेरेंट्स थोड़ी सावधानी बरतकर बच्चों का मोबाइल एडिक्शन छुड़ा सकते हैं। जिस तरीके से मोबाइल गेमिंग की बात है तो मेंटली दिक्कत की बात करेंगे तो सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो ऑब्सेशन होता है। मोबाइल का ऑब्सेशन मतलब OCD होता है, मोबाइल का ऑब्सेशन हो जाता है। वो पूरा पूरा दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना कैरियर, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार सब चीज को भूल जाते हैं। पूरा वक्त अपना मोबाइल में बिताते हैं और तरह तरह की चीजें मोबाइल में देखते हैं जिसकी वजह से कभी कभी वो लंबी क्राइम या बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको मोबाइल का बहुत इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो पेरेंट्स और गार्जियन को चाहिए कि उनसे उतना ही इस्तेमाल कराएं जितना की जरूरत है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इकोना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी जहां गौकशी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रावस्ती पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में इकोना पुलिस ने गौकशी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना इकोना जनपद श्रावस्ती में दिनांक 11/12 की रात को थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित गांव पूरे दिनामगढ़ में धनी राम की गाय चोरी होने और फिर उस गाय को काट देने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर किया गया। आज उस अभियोग में 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गयासुद्दीन, अली मोहम्मद, कमर अली और नसीम, ये सारे लोग साईपुरवा थाना विशेषरगंज के रहने वाले हैं। इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।